बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी के पाँव में दर्द है, किसी को गिरने से चोट लग गई है और तकलीफ है, या किसी के दांत में दर्द है, किसी के कान में तकलीफ है, या किसी भी किस्म के दर्द के लिए अक्सर लोग टैबलेट वॉरेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर दूसरों को भी यही मशवरा देते हुए नजर आते हैं कि ये टैबलेट वॉरेंट आखिर है क्या, क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसका यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, आज हम ये सब जानेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर किस्वा, मेडिकल वर्ल्ड 0.786 के प्लेटफॉर्म से। वॉरेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये एक पेन किलर मेडिसन है। इसका जेनेरिक नेम डाइक्लोफेनिक सोडियम है। टैबलेट वॉरेन को पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। टैबलेट वॉरेन का उमूमन हर तरह के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खासतौर पर बोन्स के पेन को, मस्कुलर पेन, इंजरी के बाइस होने वाले दर्दों में इसे यूज किया जाता है। आर्थराइटिस यानी हड्डियों के दर्द में, स्पोर्ट के बाद खेलने के दौरान लगने वाली इंजरी यानी सॉफ्ट टिश्यू में लगने वाली चोटों में बेहतरीन काम करती है। इसके साथ साथ माइनर पेन या माइनर इंजरी के बाद होने वाले पेन में भी, डेंटल पेन में भी, सर्वाइकल दर्दों में भी, और इसके साथ साथ फ्रैक्चर के बाद होने वाले दर्दों में इसका रिजल्ट बेहतरीन देखने में आया है। अगर हम जो है इसके यूज़ की डोज की बात करें तो टैबलेट वॉरेन में सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए, यानी कि छोटे बच्चे यानी 12 साल से कम उम्र बच्चों में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ों में इसका इस्तेमाल या इसकी डोजेज जो है वो 50 mg से लेके 150 mg तक होती है, जो डॉक्टर्स पेशेंट की कंप्लेन के हिसाब से देते हैं। और दिन में ये 2 मरतबा भी इस्तेमाल हो सकती है और इसे 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक ख़ास बात ये कि टैबलेट वॉरेन को अगर खाने के दौरान खा लिया जाए तो बहुत ही बेहतर है, या खाने के बाद भी ले सकते हैं। आगे जाकर हम अगर टैबलेट वॉरेन के साइड इफेक्ट की तरफ हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है वो एब्डोमिनल पेन है, बदहजमी, नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन का होना, वर्टिगो, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना भी इसमें शामिल है। अगर हम इसकी कॉन्ट्राइडिकेशन की तरफ आते हैं, यानी हमें किन चीज़ों से इसका ख्याल रखना चाहिए, तो वो एब्डोमिनल प्रॉब्लम वाले मरीज यानी जिनके पेट में या मेदे आंतों में अल्सर हो, वो मरीज इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। या फिर अगर अल्सर के मरीज इसका इस्तेमाल करना चाहें तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर अल्सर के मरीज टैबलेट वॉरेन का इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्सर के मरीज की कंडीशन को मज़ीद ख़राब कर सकती है। इसके साथ साथ पाइल्स यानी बवासीर के मरीज भी, जिनको स्टूल में ब्लड आता हो, वो मरीज भी इसका इस्तेमाल ना करें तो बहुत बेहतर है। ऐसे मरीज जिनको लीवर, किडनी या हार्ट का मसला है तो वो भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। अस्थमा के मरीज जिनकी नाक के अंदर गुदगुदों का बढ़ जाना होता है, वो भी ये मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मशवरा कर लें तो बहुत बेहतर रहता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी पहले अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही इस मेडिसिन को यूज़ करें तो नहायत मुनासिब रहेगा। हाइपरटेंसिव, हाई कोलेस्ट्रॉल डायबिटिक के मरीज भी इसका इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि टैबलेट वॉरेन हो या कोई भी मेडिसन हो, पहले हमें अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज जो पहले से ही कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीफंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई ऐसी एंटीबैक्टीरियल मेडिसन यूज़ कर रहे हैं, या फिर खून को पतला करने वाली मेडिसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से हमेशा की तरह एक बात कहूँगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, फिर दोबारा नहीं मिलती। और सुनिए तो, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आपको अगर इससे मुतालिक कुछ मुझसे पूछना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए और मुझे बताइए कि मेरी ये वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द
ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।